हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का विस्तारित रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उनका विस्तारित रूप कैसे निकालते हैं। पिछले वीडियो में मैंने विस्तारित रूप कक्षा 3 वालों को बताया था, और ये हमारे कक्षा 5 और 4 वालों के लिए बहुत उपयोगी है। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर मैं दोनों लैंग्वेज में इसको बताने की कोशिश करूंगा, हिंदी और इंग्लिश में। तो बच्चों ये देखो, सपोज 6785.293, इसका हमने विस्तारित रूप लिखना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? पहले हम इधर से ये वाला पोर्शन कर देते हैं, दशमलव से इधर वाला आपको पता ही है, हम वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड ये हो गए, ये हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसको इसी क्रम में लिखते हैं आगे। सपोज ये है 6000, ये क्या है 6000 प्लस ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पे है ना, तो इसको हम लिखेंगे 7 सैकड़ा प्लस ये हमारे दहाई के स्थान पे 8 दहाई, और ये 5 जो है हमारा इकाई के स्थान पर, इसको 5 इकाई, मीन्स ये हमारा हो गया 6000 प्लस ये हो गया 700, 700 प्लस ये हो गया 8 दहाई है ना, और 8 टेंस प्लस ये हो गया 5 इकाई, तो 5151। अब दशमलव के इधर हम इसको लिखते हैं 2 टेंथ 2 दसवां प्लस ये 9 जो है। अब यहां जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हमारा लेफ्ट साइड में चलता नहीं, जैसे हमने स्थानीय मान सीखा है, दशमलव के बाद ये यहां से इकाई दहाई सैकड़ा हजार, दशमलव को हम इकाई मान के चलते हैं, तो ये भाग है, ये किसी संख्या की जैसे दसवां सवा हजार ऐसा भाग है, इसीलिए 2 दसवां 9 को लिखेंगे हम 9 सवा प्लस ये 3 आ गया हमारे क्या 3000वां भाग, 2 दसवां मतलब 2 टेंथ TNTH प्लस 900 प्लस ये 3 क्या आ गया 3000, ये इस प्रकार से हमारा आ गया। इसको हम कैसे लिखेंगे, 6785.293 को इसको देखिए, 6000 मैंने बोला ना यहाँ, 6000 प्लस 7 सैकड़ा 700 प्लस 8 टेंस मतलब आर दाई मीन्स 80 प्लस 5 वंस मीन्स 5 इकाई प्लस 2 टेंथ मीन्स 2 गुणा गया 2 दसवां प्लस 900, तो 9 गुणा गया 1/100 प्लस 3000, 3 गुणा गया 1/1000, इसको ऐसे लिख देते हैं 6000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 5 प्लस 2/10 प्लस 9/100 प्लस 3/1000, ऐसे लिख सकते हैं बच्चे इसको। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा भिन्न रूप हो गया, इसका भिन्न रूप में हमने इसको विस्तारित रूप में लिख दिया, ये भिन्न रूप फ्रैक्शन फॉर्म, ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में हमने इसको ऐसे लिख दिया, इसको हम ऐसे लिखेंगे 6785 सही, ये क्या है 2 टेंथ 900 3000, तो 293/1000, इसको ऐसे लिखिए, इसको क्या हो गया 6785
सही 293/1000 मीन अभी इसका हम दशमलव रूप लिखेंगे, डेसिमल फॉर्म में विस्तारित रूप लिखेंगे, तो ये हमारा हो गया 6000+700+80+5+2/10 को दशमलव रूप लिखेंगे 2/10 को। अब बच्चों हमेशा अगर नीचे भागा नहीं कहा जाता है, दशमलव बाएं जाता है, हमेशा बाएं कितना जाएगा, नीचे एक के पीछे जितने शून्य होंगे, यहाँ एक शून्य है तो दशमलव बाएं जाएगा एक स्थान, तो यहाँ पे एक स्थान, तो यहाँ पे जाएगा दशमलव, तो ये हो जाएगा हमारा 2/10 क्या हो जाएगा 0.2। अब इसको करते हैं प्लस 9/100 को, इसको भी ऐसे करेंगे 9/100 को भागा में दशमलव बाएं जाएगा, कितने जितने शून्य होंगे, तो यहाँ 9 है, एक स्थान पे जाएगी नहीं क्योंकि 2 शून्य 1 की बहुत जरूरत है, तो 1 शून्य बढ़ा देंगे यहाँ और यहाँ जाएगा दशमलव, तो ये हो जाएगा हमारा 0.09 प्लस 3/1000 को देखते हैं, क्या 3/1000 को इसको हम सॉल्व करेंगे 3/1000 को, तो 3/1000 को भी वही हो जाएगा 3/1000 दशमलव बाएं जाएगा, जितने शून्य है उतने स्थान, तो यहाँ हमारे पास 3 है, अभी हमें 2 स्थान और जाना, तो 2 शून्य लगा देंगे, यहाँ दशमलव चले जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0.003। ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल फॉर्म हो गया, क्या हो गया, डेसिमल फॉर्म में आ गए, मतलब दशमलव रूप में आ गए, किसमें आ गए, दशमलव रूप में, हमने इसको लिख दिया दशमलव रूप में, देखिए 6000, 700, 80, 5, 0.09, 2, 0.09+0.003 इस प्रकार से हमने जो है दशमलव संख्याओं का विस्तारित रूप देखो 2 रूप में किया, एक फ्रैक्शन फॉर्म में किया, ऋणात्मक रूप में, एक दशमलव रूप में किया, तो आज हमने ये सीखा, धन्यवाद।